चूखा मेला जी महाराष्ट्र के संत हैं, गृहस्थ संत, महाराष्ट्र में तो बड़े महामहिम महिम गृहस्थ, जो आश्चर्यजनक जिनका त्याग वैराग्य अनुराग, वो अपने घर के सेवा के लिए ठाकुर जी के लिए सब्जी लेने जा रहे थे, कुछ ऐसे रुपए होंगे, बड़ी मेहनत से कमाते थे, निर्माण कार्य गृह निर्माण कार्य आदि में वो करके फिर उससे जो अर्थ मिलता था, देखा एक बहुत बड़े बड़े ऐसे केले रखे हुए थे। देखते ही मन में आया कि ये केले विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे, सब्जी नहीं ली उसके केले ले ली। मंदिर में अंदर प्रवेश का तो अधिकार था नहीं, दरवाजे पर खड़े हुए आवाज लगाई कि एक केले का भोग लगा दीजिए विट्ठल भगवान को। भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती है, कुछ पार्षदों ने निजी सेवकों ने उनको धक्का मार करके बाहर किया, बोले तुम क्या समझते हो, दो चार बार नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भगवान भोग पालेंगे। उनको ऐसा कुछ इस बात से बुरा नहीं लगा कि ऐसा, एकांत में जाके प्रभु से बात करने लगे कि मेरा अपमान हुआ इस बात का, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, हमारे हृदय में प्रेरणा की और फल देख करके मेरे मन में आया कि आप पाना चाहते हैं, आपके लिए ले गए, तो मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जो आपको पसंद नहीं, सेवा आप तो सब कुछ कर सकते थे ना, फिर आप चलो, फिर आपने चाह क्यों प्रकट की। ठीक है, यदि आप ऐसा है तो फिर इस शरीर को रख के क्या करेंगे, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा की योग्य नहीं ना, आज से अन्न जल बन और इस शरीर का हम त्याग कर देंगे, जब तक आपकी सेवा के योग्य मैं नहीं होऊंगा तो क्या इस शरीर को रख के करें। दरवाजा अपना बंद कर लिया और निश्चय कर लिया कि ना जल ना अन्न इस शरीर में नहीं डालेंगे। देखो छोटा सा कर्म है भगवत प्रीत्यर्थ, जे ही ठाकुर जी का शयन हुआ निकले ठाकुर जी, गए दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, बड़ी अमृतमय वाणी एकदम आकर्षित, कहो कहा चूखा मेला जी बहुत भूख लगी है खोलिए। जे ही अब वो पूछ नहीं पाए आप कौन, जे ही दरवाजा खोला अनंत लावण्य कांति रूप सौंदर्य बरस रहा है, नव किशोर अवस्था ठाकुर जी, एकदम आह भर के रो पड़े आनंद समुद्र प्रभु सामने। प्रभु ने कहा इस समय रोने धोने के टाइम में मुझे बहुत भूख लगी है, आसन जो भी जैसा था बिछा विराज ना आसन तुम्हारी गोद में बैठे प्रभु गोद, वो केला जो लाए थे ना, बोले हाँ प्रभु तो अपमानित करके भगा दिए गए तो लाह के वैसे, बोले लाओ लाओ ना गोद में ऐसे केला पवा देख ले, प्रभु को ये थोड़ी है, प्रभु तो सबके हैं ना। प्रभु ने पाया बोले आज जो स्वाद मिल रहा है वह मंदिर में भोग लगता है ना, ऐसा स्वाद हमें नहीं मिलता, रुक्मिणी जी को भी पता लगे कि मेरे प्रेमी जनों के द्वारा दी हुई वस्तु में कितना स्वाद है, तो दो केले दे दीजिए, मांग के दो केले प्रभु उनसे लेते और सब केले पाए और बोले तुम आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूं जो मेरे लिए है, मैं किसी जाति कुल साधना अवस्था तपस्या इसका नहीं होता हूं, इसका फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूं। रुक्मिणी जी को पवाया आंगन में छिलके फेंक दिए, अंदर से दरवाजा बंद मंदिर का। अब जब सुबह दर्शनकालीन शास्त्रों भक्तों की भीड़ लगी, जय जयकार मच रहा है, सेवा करने वाले निजी पार्षद बाहर से ताला लगा के जाते थे, जब ताला खुला तो अंदर से लाग खुला नहीं, बहुत परेशान, अब तो विनय प्रारंभ की, फिर रोने लगे सब, प्रभु क्या अपराध हो गया, बोले जब दरवाजा ये दरवाजा तभी खुलेगा जब चोखा मेला जी को आप लाओगे और वो कहेंगे दरवाजा खोलो तुम खोलेंगे। बोले प्रभु अभी जाते, बोले ऐसे नहीं
पालकी लेके जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा के लाओ, अगर वो ना बैठे तो उनके पैर पकड़ना और कहना पालकी में बैठो। ये वही लोग हैं जिन्होंने धक्का दिया कि तुम्हारे हाथ का भगवान कैसे पाएंगे, भगवान शिक्षा दे रहे। अगर वो ना बैठे तो उनके चरण पकड़ना, क्योंकि वो दैन्य हैं, वो शायद ऐसा ना करें, तो तुम उनके चरण पकड़ना, उनसे विनय करना, उनको बैठाना, और जब वो पालकी में बैठ के आएंगे और यहां दरवाजे में कहेंगे खोलो प्रभु, तो हम खोलेंगे नहीं, नहीं दरवाजा खुलेगा ही नहीं अंदर से सब लाख। अब उनके तो प्रकट और आंतरिक दोनों जीवनाधार श्री विट्ठल भगवान ही है। पालकी ली भागे भागे, आप सब आश्चर्यचकित हो रहे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिन्हें धक्का दिया गया था आज उन्हें पालकी में बैठा ले वही पार्षद। चोखा मेला जी तो साष्टांग लौट गए, भगवान महेशियों के कहा तो वो फिर चरण पकड़ रहे कि अब आप छुपिए मत, सब जान गए कि आप किस कोटि के महान भक्त। आप जबरदस्ती उनको पालकी में बैठाया, जय जयकार करते हुए लाए मंदिर में, जब आए तो आंसू बहाते चोखा मेला जी, प्रभु बस करो बस करो, अब तो खोल दो। तत्काल दरवाजे खुल गए। ये देखो एक छोटी सी सेवा चमत्कार प्रकट कर दिया। यदि हम आठों पहर प्रभु के लिए तो कैसा जीवन होगा, विचार करके देखो आप।